वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन हेडफोन, जो कि है आपका सोनी का, क्या था इसका, WHZH510। जी हाँ दोस्तों, ये हेडफोन है आपका करीब 3600 की रेंज का, जो आपको पड़ जाएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके हेडफोन के बारे में और जानेंगे इसके पूरे प्रोस और कौन कौन सी बातें इसकी अच्छी हैं और कौन कौन सी बातें इसकी खराब हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें जो काफ़ी क्लियरिटी है और काफ़ी लाउड भी है। हालांकि लाउडनेस फुल वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ी सी और होती तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि मैंने ज़ेब्रोनिक्स के जो ZEV हेडफोन्स को रिव्यू किया था तो उनकी जो साउंड थी वो इससे काफ़ी लाउड थी और उनका जो बेस वेस था वो भी इससे काफ़ी बेटर था। पर इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करी जाए तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसका बेस ट्रिबल वो भी आपका काफ़ी अच्छा है, पर ज़ेब्रोनिक्स का ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसके कंपेरिजन में। बाकी इसके कलर की अगर बात करी जाए तो इसके कलर भी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा कलर मिलते हैं इसमें आपको, वाइट मिलता है, ब्लैक मिलता है, ब्लू मिलता है, जो कि मेरे पास है। तो उस चीज़ में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे इसके कलर है और देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन दिया है सोनी वालों ने। तो इन चीज़ों में मुझे दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी। तो दोस्तों और इसकी मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है वो है इसमें आपको मिलता है USB टाइप सी कनेक्टर। या दोस्तों ये आपका नॉर्मल USB टाइप सी कनेक्टर है, तो इसमें आपको चार्जिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नॉर्मल अपना फोन का आपका चार्जर लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और दोस्तों बैटरी लाइफ की अगर बात करी जाए तो बैटरी लाइफ भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है। इसमें करीब 33 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। और मैं भी जब से इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी मुझे 3-4 दिन हो गया करीब यूज़ करते करते, और अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया है। और हर दिन करीब 2-3 घंटा मैं यूज़ करता हूँ, तो उस केस में देखा जाए तो दोस्तों करीब 5-6 घंटे का मैं यूज़ कर चुका हूँ और अभी भी इसमें करीब 50% बैटरी बची है। तो इस केस में मुझे इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी लगी। ये आपके ज़ेब्रोनिक्स हो गया या फिर आपका, मैंने मोटोरोला के भी हेडफोन इस्तेमाल किए थे तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी बैटरी। और इसमें दोस्तों ये जो है ये आपके फुल कवर ईयरफोन है, जिसमें आपके कप्स मिलते हैं जिसको आप आराम से अपने हेड पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन बटन मिलता है जो आपके बाकी हेडफोन्स होते हैं। अगर जो बाकी आपके हेडफोन्स होते हैं जो आपके पूरे आपके ईयर्स को कवर नहीं करते हैं, उसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन उतना नहीं अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बेटर मिलता है नॉइस कैंसिलेशन। हालांकि अगर मैं ज़ेब्रोनिक्स वाले हेडफोन्स की बात करूँ या मोटोरोला की बात करूँ तो उनके जो ईयर कप्स हैं वो ईयर कप्स थोड़े से बड़े भी हैं, तो उन केसेस में काफ़ी अच्छा इससे नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। पर इसकी मैं बात करूँ तो ओवरऑल फिट इसका काफ़ी अच्छा है। अगर ज़ेब्रोनिक्स से मैंने जब इस्तेमाल किए थे वो बार बार यहाँ से काफ़ी अच्छे फिट भी होते हैं और वो बार बार पीछे की तरफ जाते हैं, लेकिन इन केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे फिट होते हैं। बस ये है कि इनका कप साइज़ जो है वो कप साइज़ थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से ये कान पे बहुत अच्छी तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं, कहीं पर थोड़ा सा भी स्पेस रह जाता है और बाहर की आवाज़ इधर उधर की घुसने लगती है। तो ये चीज़ दोस्तों एक थोड़ी सी मुझे इसमें लगी, पर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन और साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। क्योंकि बाकी सारे भी मैंने जितने इस रेंज के हेडफोन्स इस्तेमाल किया उसके कंपैरिजन में इसकी साउंड क्वालिटी मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी। और ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें जाए तो इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पे आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं हेडफोन्स को, यहाँ पे मूवेबल कप्स हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं। एक दिक्कत बस थोड़ी सी है कि ये फोल्ड नहीं हो पाते हैं, फोल्डेबल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके ये जो ईयर कप्स हैं इनको फोल्ड कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी आप टेबल वगैरह पे ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जो आपके मोटोरोला के हो वो आपके पूरे अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, तो वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट रहते हैं और काफ़ी बढ़िया सा उसमें आपको कैरी करने में इजी रहते हैं, वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी इसमें अगर बात करी जाए बटन्स की तो इसमें आपको नॉर्मल एक पावर बटन मिलता है, एक वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन मिलता है जो आपको नॉर्मल बटन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसमें बाकी एक आपका माइक्रोफोन और LED इंडिकेटर भी होता है। तो ये इसकी एक हो गई नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको देखने को मिलती है और नॉर्मल कप एडजस्टमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कई सारी
ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ इसकी बात कर लेते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। जी हाँ दोस्तों, ये आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ही इसमें अच्छी नहीं दी गई है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे देखने को लगी। मैंने इसको अपने लैपटॉप के साथ ट्राई किया, मैंने जो HP का लैपटॉप रिव्यू किया था, मैंने इसको अपने पुराने MI के फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ये उन दोनों से ही कनेक्ट नहीं हुआ। तो पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, इसके ब्लूटूथ में दिक्कत है या फिर कनेक्टिविटी इशू है, क्या इशू है। मैंने काफ़ी सारी बार ट्राई किया लेकिन वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। ये केवल एक डिवाइस से कनेक्ट हुआ जो कि है मेरा Rogue Phone 3। इसके अलावा मैंने 2-3 डिवाइसेस जितनी भी आपकी कनेक्ट करने की कोशिश की है किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि आपकी डिवाइस के साथ ये पेयर हो रहा है और आपकी डिवाइस के साथ ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनके साथ इसकी ब्लूटूथ भी कंपैटिबिलिटी नहीं है और ब्लूटूथ में ये सर्च भी नहीं करता है, इनफैक्ट कनेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ख़राब लगी। दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें मुझे एक कमी लगती है, वो है आपका ऑक्स केबल के जैक की। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलता है, जबकि आप बात करें बाकी हेडफोन्स हो गए जैसे आपका Zebronics का हो गया या फिर आपका Motorola का हो गया या फिर आपके Logitech के हो गए, इन सब में आपको एक 3.5 mm का ऑक्स जैक मिलता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी इसकी बैटरी डाउन है तो आप आराम से इसको कनेक्ट करके और वायर्ड हेडफोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस मुकाबले में उसकी यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको बैटरी के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा और अगर आपकी बैटरी डाउन है तो आपको चार्ज ही करना पड़ेगा, आप चार्ज करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको केबल के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि जो यहाँ पे USB 3 दिया है, मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी USB Type-C लैपटॉप में या आपके टैब में कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये उससे कनेक्ट नहीं होता, ये केवल चार्जिंग के लिए केबल दी गई है। तो ये इसकी जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। अगर 3.5 mm जैक होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेटर होता। दोस्तों एक इसकी चीज़ और है जो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, जब इसको आप लगा के कॉल्स वगैरह करते हैं तो कॉल्स वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा इको आता है दूसरी साइड में भी और आपकी साइड में भी। तो इसमें कॉलिंग वॉलिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो आपको बाकी हेडफोन्स में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इको हो जाती है और साउंड क्लियरिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक इसकी और चीज़ है जो उसको अच्छी नहीं लगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि बाकी हेडफोन जो है उनमें आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक है ये हेडफोन, लेकिन इन सब चीज़ों की जब बात करी जाए तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि इस प्राइस रेंज पर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका Logitech हो, चाहे वो आपका Zebronics हो, चाहे वो आपका और भी कई सारे हेडफोन्स हो, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे हेडफोन्स अवेलेबल हैं। तो आप इसको लेने से पहले इसके जो ये सब मैंने आपको कॉन्स बताया, इसकी जो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप एक बार ज़रूर कंसीडर कर लें, क्योंकि अगर आप इसको लेके आएंगे और उसके बाद मान लीजिए ब्लूटूथ से कनेक्ट ही नहीं हुआ तो ये आपके किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इससे बेटर मुझे साउंड क्वालिटी में अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो आपको Zebronics से ज़्यादा अच्छे लगे, और बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो मुझे Motorola की ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लें, आप ब्लाइंडली इस पर नहीं जा सकते, आप केवल आंखें बंद करके कुछ भी ऐसे नहीं खरीद सकते इसको केवल, और आपके जितने भी बाकी ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा आपको वो पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा आप एक बार इसको लेने से पहले बाकी सारे हेडफोन्स भी कंसीडर कर लें। दोस्तों बस आज की वीडियो भी इतना ही, छोटी सी वीडियो हमारी इस हेडफोन्स के ऊपर, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और कोई बढ़िया से गैजेट के साथ।